कैसे हो दोस्तों, वेलकम टू एक्सप्लेनेशन। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आखिर प्रोफेसर ने राफेल के लिए उस पेपर में क्या लिखा था, और साथ में कुछ और भी इंटरेस्टिंग डिटेल्स के बारे में आपको बताऊंगा। मनी हाइस्ट खत्म होने के बाद बहुत से क्वेश्चंस ऐसे थे जिनके आंसर देखने को नहीं मिले, और मेरी पिछली वीडियो में बहुत से कमेंट्स ये आए थे कि प्रोफेसर ने आखिर राफेल के लिए क्या लिखा था जिससे उसने सारा गोल्ड इतनी इजीली प्रोफेसर को वापस कर दिया। प्रोफेसर और पलेर्मो का गोल्ड बाहर निकालने का अमेजिंग प्लान एग्जीक्यूट होते हुए हमने फाइनली देख ही लिया, लेकिन राफेल और तातियाना ने उस प्लान की ऐसी की तैसी कर दी थी और खुद सारा गोल्ड लेके वहां से भाग गए थे। लेकिन सिर्फ प्रोफेसर के एक छोटे से मैसेज से राफेल ने वो सारा गोल्ड वापस कर दिया। अब डायरेक्टर और राइटर में से किसी ने भी ये कंफर्म नहीं किया है कि उस पेपर पर क्या लिखा था, लेकिन कुछ अमेजिंग डिटेल्स और पॉसिबिलिटीज इंटरनेट पर चल रही हैं जो ये बताती हैं कि उस चिट पर या पेपर पर क्या लिखा गया था। तो शुरू करते हैं सबसे पहली पॉसिबिलिटी से। पहली पॉसिबिलिटी या थ्योरी ये है कि प्रोफेसर ने इनडायरेक्टली ये लिखा होगा कि वो गोल्ड को ब्रास से रिप्लेस करेगा। ये सीक्रेट प्लान सिर्फ प्रोफेसर और पलेर्मो को ही पता था, लेकिन राफेल और तातियाना को ये बिल्कुल भी नहीं पता था कि प्रोफेसर गोल्ड को ब्रास से रिप्लेस करेगा। अब आप याद करो बर्लिन और राफेल की सबसे पहली चोरी जो उन्होंने फ्रेडरिकबर्ग कैसल में की थी, और वहां पर उन्होंने वाइकिंग ट्रेजर को नकली ट्रेजर से रिप्लेस करके उसे चोरी किया था, और प्रोफेसर को ये ब्रास और गोल्ड एक्सचेंज करने का आइडिया भी वहीं से ही आया होगा। तो ऐसा हो सकता है कि प्रोफेसर ने उस पेपर पर सिर्फ फ्रेडरिकबर्ग कैसल लिखा हो, और अगर ये मैसेज अलिसिया देख भी लेती तो उसे कुछ भी समझ में नहीं आता, लेकिन जब राफेल ने ये मैसेज देखा होगा तो उसे बर्लिन और उसकी सबसे पहली चोरी याद आ गई होगी, और साथ में उस सीक्रेट प्लान का भी आइडिया उसे मिल गया होगा, और इसीलिए लास्ट पर वो स्माइल भी करता है। और जब तातियाना उससे पूछती है कि क्या हमें हमारा हिस्सा मिलेगा, तो राफेल बहुत कॉन्फिडेंटली यही कहता है कि हाँ मिलेगा, क्योंकि वो अपने अंकल या चाचा सर्जियो को बहुत अच्छी तरह से जानता है। अब अगली पॉसिबिलिटी ये है कि प्रोफेसर ने उस पेपर पर ये लिखा होगा कि वो एक नई हाइस्ट करेंगे जिसमें राफेल और तातियाना भी उनके साथ होंगे, जिन्होंने प्रोफेसर जैसे चोर से भी सोना चोरी कर लिया, उनको अपनी टीम में नहीं रखोगे तो किसे रखोगे। अब क्वेश्चन ये आता है कि आखिर प्रोफेसर न्यू हाइस्ट करेगा ही क्यों। इस लास्ट पार्ट में हमें प्रोफेसर की असलियत देखने को मिली, जहां हमें ये पता चलता है कि प्रोफेसर रॉबिन हुड की तरह एक अच्छा चोर नहीं बल्कि सिर्फ अपनी खुशी के लिए ही चोरी करता था, और उसने लिस्बन से ये भी कन्फेस किया था कि पहली हाइस्ट के खत्म होने के सिर्फ 24 घंटे बाद ही उसने इस दूसरी हाइस्ट को प्लान करना शुरू कर दिया था। अब 24 घंटे वाली लाइन एक मेजर हिंट हमें देती है। लास्ट पार्ट के सबसे लास्ट सीन में जब सभी हेलीकॉप्टर में दिखते हैं तब प्रोफेसर विंडो से बाहर देखता है और फिर स्माइल करता है। फिल्मों की दुनिया में इसे 1000 yard stare भी कहा जाता है, और ये तब होता है जब आप किसी चीज के बारे में सोच रहे हो। और याद करो ये दूसरी गोल्ड वाली हाइस्ट खत्म होने के ठीक 24 घंटे बाद यह हेलीकॉप्टर वाला सीन हमें दिखाया जाता है, तो इसका मतलब यही है कि प्रोफेसर ने इस लास्ट सीन में एक नई हाइस्ट के बारे में सोचना शुरू कर दिया है। और ये लास्ट वाली स्माइल भी ये कंफर्म कर देती है कि प्रोफेसर नई हाइस्ट के बारे में ही सोचकर स्माइल कर रहा है। तो शायद ये हो सकता है कि प्रोफेसर ने राफेल के लिए उस पेपर में प्लान पोर्टुगल या ऐसा कुछ लिखा हो, और वो ये भी चाहता है कि वो इस बार उसकी टीम का हिस्सा बने। अब मैंने प्लान पोर्टुगल ही क्यों कहा, याद करो कि वो सारा गोल्ड अलिसिया ने पोर्टुगल में ही भेजा था। लास्ट एपिसोड में हमने एक सीन देखा था जहां राफेल, बर्लिन और प्रोफेसर एक साथ बैठे थे और राफेल को उसके दादा की कहानी सुना रहे थे। फिर एक डायलॉग ये भी आता है कि दिस इज अ फैमिली ट्रेडिशन, और इस लास्ट एपिसोड का नाम भी यही है, अ फैमिली ट्रेडिशन। तो हो सकता है कि प्रोफेसर ने यही लाइन उस पेपर में लिखी होगी, और इसी लाइन को पढ़कर राफेल ने ये सोचा होगा वो प्रोफेसर और अपने बाप को एक बार फिर से धोखा नहीं दे सकता, और फिर वो सारा गोल्ड वापस करने का डिसाइड करता है। वैसे ये फैमिली ट्रेडिशन लाइन से जुड़ी एक और थ्योरी ये भी है कि प्रोफेसर ने उस पेपर पर फैमिली ट्रेडिशन लिखकर राफेल से ये कहने की कोशिश की होगी कि अब राफेल को चोरी करने का ये फैमिली ट्रेडिशन कंटिन्यू करना चाहिए। और इसका हिंट राफेल की लास्ट लाइन में भी सुनने को मिलता है, जहां वो ये कहता है कि ही वुड हैव वांटेड दिस, और यहां पर वो बर्लिन की ही बात कर रहा था, क्योंकि बर्लिन भी यही चाहता था कि उसका बेटा भी उसकी तरह ही एक चोर बने। ये वाली थ्योरी सबसे क्रेजी थ्योरी है, लेकिन बिलीवेबल भी उतनी ही है। कई लोग ये मान रहे हैं कि राफेल बर्लिन का नहीं बल्कि प्रोफेसर का बेटा है, और प्रोफेसर ने राफेल के लिए उस पेपर में यही लिखा होगा कि वो उसका बेटा है। अगर आप राफेल की पर्सनैलिटी को नोटिस करोगे तो आप ये जरूर नोटिस करोगे कि राफेल बर्लिन से कम और प्रोफेसर से ज्यादा मिलता जुलता है। वो दोनों ही बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट और जीनियस भी हैं। दोनों ही चुपचाप प्लान बनाते हैं और फिर एंड में सबको शॉक कर देते हैं। दोनों ही चश्मा पहनते हैं। दोनों ही सोशली थोड़े ऑकवर्ड भी हैं और इंट्रोवर्ट भी हैं। और इतना ही नहीं, राफेल के लास्ट सीन में वो भी अपने चश्मे को वैसे ही ठीक करता है जैसे कि प्रोफेसर ठीक करता है, और ये वाला सीन इसी का एक हिंट हो सकता है। मैं मानता हूँ कि ये लास्ट पॉइंट के सच होने के चांस बहुत ही ज्यादा कम है, बट ये है तो अमेजिंग, ये तो आपको मानना ही पड़ेगा।
जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में कहा था, इस शो की एंडिंग एक ओपन एंडिंग है। मेरे हिसाब से तो हुआ ये होगा कि इस शो की पॉपुलैरिटी इतनी ज्यादा बढ़ चुकी थी कि डायरेक्टर और राइटर्स को ये समझ में नहीं आ रहा होगा कि वो इस शो को परफेक्टली एंड कैसे करें, और इसीलिए शायद उन्होंने एक ओपन एंडिंग रखी और फ्यूचर के लिए भी कई हिंट्स दे दिए। एक हिंट हमने इस सीन में देखा था जहां पर दीवार पर स्पेनिश में ये लिखा है कि एल सुएनियो नो अकाबादो, जिसका मतलब होता है द ड्रीम हैज नॉट एंडेड। और इसका हिंट यही है कि फ्यूचर में कभी ना कभी स्टोरी को आगे कंटिन्यू करने की पॉसिबिलिटीज खुली हुई है। मैं अभी भी मानता हूँ कि इस शो की एंडिंग ज्यादा सेटिस्फाइंग नहीं थी। बहुत ज्यादा हैप्पी एंडिंग से ये सीरीज इंडियन डेली सोप्स और टिपिकल बॉलीवुड मूवीज की तरह हो गई थी। आपको क्या लगता है कि इन सभी पॉसिबल मैसेजेस में से कौन सा मैसेज प्रोफेसर ने राफेल को लिखा होगा, मुझे कमेंट से बताना। तो आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों, तो मिलते हैं अगली ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड कीप एंजॉयिंग।